प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब बताओ बबीता, यह जयडलाल का पार्सल लेकर तुम क्यों आ गई? व्हाट डू यू मीन, मैं क्यों आया यार? हम लोग कोई चांद पे नहीं रहते, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। हमारा एक पड़ोसी फर्ज बनता है। बबीता, पड़ोसी फर्ज मेरे को मालूम है, लेकिन ये जयडलाल का पार्सल है, मतलब गड़बड़ घोटाला। इसके कवर पर छोटा सा दाग भी लग गया ना, तो वो मेरा सर खा जाएगा। अयर ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने ये भी नहीं सोचा, वो बेचारे हाथी भाई एक माला चढ़कर ऊपर ये पार्सल लेके आए और तुमने उनको भी मना कर दिया। हाँ, पर बबीता ये पार्सल का काम, संभाल के गिर जाता तो। मैंने तुमको बोला था ना, ये पार्सल रखने में ही टेंशन है, मेरे को ये पार्सल नहीं रखना है। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, ओके? क्या करूं? आज सोसाइटी में भी सब लोग बाहर गए, नहीं तो किसी के भी घर जाकर ये पार्सल दे देता। मैंने अभी नीचे भीरे भाई को देखा है, और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है इसको रखने में, तुम संभाल के एटलीस्ट उनको तो देके आओ। अच्छा, आत्माराम बाहर से आ गया? तो मैं ये पार्सल उसको दे देता हूँ, वो जयटालाल को दे देगा। एक मिनट रुको। अरे देवा, ये पार्सल ने तो मुसीबत में डाल दिया है, ये आज का दिन ही पनौती है। अरे देवा, कहीं सूढ़ी को पार्सल के बारे में पता तो नहीं चल गया? काय हो, कान क्यों बंद रखे? कब से बेल बज रही है? कठिन है बाबा। आदमी नको। अय्यो, आप और पार्सल के साथ? माधवी भाभी, क्या है कि यह जयडलाल का पार्सल है, सुंदर ने अहमदाबाद से भेजा है। अरे देवा, ये पार्सल घड़ी के कांटे की तरह घूम फिर कर मेरे पास ही आ रहा है। वो क्या है, डॉक्टर आदि बाहर जा रहे थे तो मेरे घर पर दे कर गए। ये पार्सल जयडलाल को दे देंगे प्लीज। अरे माधवी, तुम क्या यहाँ खड़ी हो? हमें जाना है चित्रा मौसी के घर पे। अरे हैं क्या हैं? चलो। हाँ हाँ। अरे यार, ये क्या है? आदवाराम, ये जयडलाल का पार्सल है, उसको देना है। अच्छा, लेकिन जेठालाल तो पूना गया हुआ है, वो तो शाम को आएगा, तो उसको बाद में दे देना है तुम। क्या है, हमें आते आते बहुत देर हो जाएगी। हाँ, चलो चलो, लौकर 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 लौकर, चलो बाय। दरवाजा बंद कर दी। ओ, ये पार्सल अय्यर भाई के पास कैसे आया? अरे माला काम है, मैंने तो पार्सल सोड़ी को दिया था। तेज, पर अय्यर बोल रहा था कि हाथी भाई ने उसे पार्सल दिया है। मतलब सोड़ी ने हाथी भाई को पार्सल दिया और हाथी भाई ने अय्यर को दिया। अरे देवा, का चालना है का है? इससे पहले कोई और आ जाए हम लोग बाहर जाते हैं। लेकिन कहाँ जाए माधवी? अभी आपने बोल ही दिया है तो चित्रा मौसी को भी मिलकर आते हैं। गुड, चल चल चल। सॉरी सॉरी अय्यर भाई। हाँ, ओके ओके। अय्यो, क्या मुसीबत है? चंद्रलाल ने जयडलाल को पार्सल भेजा और परेशान मैं हो रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, अरे रंगास्वामी,
रंगत बाबी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तिरुपति बालाजी, ये क्या हो गया? लगता है इसके अंदर जो चीज था वह टूट गया है। अब क्या करूं? बबीता, ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? अरे तुम पार्सल लेके वापस आ गए? बबीता, मैं आत्माराम के यहाँ पर गया था, उसको कहीं बाहर जाना था, इसलिए उसने पार्सल लेने से इनकार कर दिया। वापस आ रहा था तब स्टेयर गैस पर ये पार्सल मेरे हाथ से नीचे गिर गया। What? और इसमें तो कुछ टूटने का आवाज भी आया है। Oh my God, यार, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कैसे गिर गया ये पार्सल? बबीता, अब इसमें मैं क्या करेगा? मेरे मोबाइल का रिंग बजा, मैं फोन उठाने गया तो पार्सल नीचे गिर गया। अय्यर, तुमने जानबूझ के तो नहीं गिरा है ना? बबीता, क्या कह रही हो तुम? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, ऐसा छोटा हरकत नहीं करेगा। कोड, तुम्हें पता है हाथी भाई ने कहा था इसमें बहुत कीमती चीज है। मेरे को मालूम है बबीता, लेकिन अब क्या करेंगे? इस पार्सल को खोल कर देखते है, फिर ऐसा ही चीज यहाँ पे अगर जो मिल गया तो वो ला कर इसमें रख देंगे। ओ भगवान, चलो। यार, इतनी अच्छी मूर्ति को तुमने तोड़ दिया? अरे बबीता, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। हे भगवान, ये देखो, इसका सर भी अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए पूरे इसके। ये इस मूर्ति के दोनों टांगे और पूछ सब टूट गए। Oh my God. बबीता, यह मूर्ति 80,000 की है। डेढ़ लाल को पता चलेगा तो वह बिजली की जैसा मेरे ऊपर गिरेगा। मेरे को पहले से ही पता था जयडलाल का पार्सल है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं डॉक्टर हाथी से ये पार्सल नहीं लिया था, तो तुमने ले लिया। अय्यर, टूटा तुमसे है तो अपनी गलती मुझ पर मत डालो। लेकिन अब क्या करेंगे? होम स्वीट होम। थोड़ी देर भी घर से बाहर रहो ना तो घर की ऐसी याद आती है। घर जैसी शादी कहीं नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। अंजलि, मुझे जरा एक दो इम्पोर्टेंट ईमेल्स करने हैं। मैं मेल करता हूँ, तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरे लिए एक कप फर्स्ट क्लास चाय बना दो प्लीज। जो हुक्म मेरे सरकार, अभी लाई। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या है? हाय। अरे मैंने कहा था ना अंजलि भाभी, मेहता साहब घर पे वापस आ गए। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन अय्यर ये क्या ले आया भाई इतना बड़ा? हाँ। अरे मैं साहब, ये जयडलाल का पार्सल है, वो क्या है, हमको बाहर जाना है। तो ऐसा हुआ। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, इतनी सी बात, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पार्सल हम जेठा भाई के घर पहुंचा देंगे। अंजलि भाभी, ये पार्सल काफी कीमती है, क्या सुंदर भैया ने एक्स्ट्रा पैसा देके ये कोरियर से भेजा है अहमदाबाद से, तो जरा संभाल कर जेठा जी को दे देंगे प्लीज। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ये पार्सल एकदम संभाल कर पहुंचा देंगे। थैंक यू। अरे वो सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता छोड़िए। अय्यर, आओ यार, एक एक कप चाय पीते हैं। अरे नहीं, थैंक यू मेहता साहब, हम लोगों को बाहर जाना है तो ये मैं वहां पर रख देता हूँ। क्या बात है बबीता जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? डिस्टर्ब हो क्या? नहीं, वो सर दर्द है अंजलि भाभी, बबीता को थोड़ा सर दर्द है। बबीता, हम लोग चले? ओके, बाय, सी या। बाय, मैं ठीक है ना? यस, श्योर, थैंक यू।
अंजलि, लगता है इस बार ये गंगा उल्टी बही है। मतलब? अरे मतलब क्या, सुंदर ने गिफ्ट भेजी है जेठालाल के लिए। मेरे ख्याल से पहली बार लाइफ में सुंदर ने जेठालाल के लिए गिफ्ट भेजी है। क्या तारक कुछ भी बोलते हैं, सुंदर भाई दया भाभी और जेठा भाई को सर आंखों पर रखते हैं। अच्छा, सर आंखों पर रखते हैं। अभी आप वो चाय का भगोना गैस पे रख दीजिए प्लीज। जो हुक्म जनाब। ये भगवान, इसकी बैटरी को भी अभी जाना था। चार्जर बैग में। यार ये अय्यर भी कैसे रख के गया ना, वायर कैसे निकालूं अब। ओह माय गॉड, तारक, तारक क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया, अंजलि गिर गया। कैसे हुआ? इसकी किस्मत में लिखा था गिरना। आई मीन क्या बताऊं कैसे हुआ अंजलि, वो अय्यर ने यहाँ रखा ना ये बॉक्स, तो मेरा लैपटॉप बैग यहाँ पड़ा हुआ था, पता नहीं किस तरह से रखा कि बॉक्स बैग के ऊपर आ गया। मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए वायर चाहिए था, मैं बैग निकाल रहा था, उस चक्कर में गिर गया ये। हे भगवान तारक, आप कितने केयरलेस हैं। अंजलि इसमें मेरे केयरलेस होने की बात कहाँ से आ गई, ये तो किसी से भी हो सकता था, तुमसे भी गिर सकता था ना। क्या तारक, अभी अभी बबीता जी कहकर गई कि सुंदर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे देकर स्पेशल पार्सल भेजा, यानी जरूर कोई कीमती चीज होगी जो टूट गई गिर के। चलो मैं देखता हूँ अंदर क्या है। क्या देखते हैं तारक, किसी और का पार्सल ऐसे कैसे खोल सकते हैं? अंजलि पार्सल में जो चीज थी वो तो टूट गई ना, तो पार्सल का कवर तोड़ना ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। देखने दो मुझे प्लीज, लेट मी जस्ट सी इट। तारक संभाल के, संभाल। अरे अब क्या संभाल के, जो तारक संभाल के। अरे अब तो खोलना ही है ना इसे। My goodness. तारक ये क्या हो गया? अरे टूट गया भाई, दिख रहा है ना अंजलि। हे भगवान, कितनी प्यारी मूर्ति थी और कितनी बुरी तरह टूट गई है। हे भगवान, और सिर्फ प्यारी नहीं अंजलि, महंगी भी। 80,000 की मूर्ति थी। 80,000? हाँ। Oh my God, तारक, अब क्या करेंगे? तारक, अब आप जेठा भाई को क्या जवाब देंगे? अंजलि जेठालाल को तो मैं किसी तरह समझा दूंगा, लेकिन दया भाभी को कैसे समझाऊंगा? मेरी नजरों के सामने तो उन्हीं का चेहरा आ रहा है। उनके सुंदर वीरा ने भेजी है गिफ्ट भाई। सुंदर के शर्ट का एक बटन टूट जाए तो कितने टेंशन में आ जाती है वो, और पता चलेगा कि इतनी महंगी गिफ्ट टूट गई, क्या जवाब दूंगा मैं? वो भी मुझसे। अब क्या करें? क्या क्या करें तारक, लैपटॉप की बैग ठीक से उठा दे तो ये नहीं गिरता ना। अंजलि अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, जेठालाल को कोई मुसीबत आती हो तो इस फायर ब्रिगेड को याद करता है, और इसी फायर ब्रिगेड ने मुसीबत खड़ी कर दी। कैसा धर्म संकट है ये तारक। एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी दुविधा तो जिंदगी में पहली बार आई है। जेठालाल को सच बता भी नहीं सकता, और झूठ बोलना तो मेरी फितरत में नहीं है ना अंजलि। अंजलि एक काम करते हैं, मैं इस मूर्ति को ऐसे चिपका देता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर पैक कर देता हूँ वापस जैसे कोरियर से सीधा बॉक्स आया, और जाके जेठालाल को दे देता हूँ। नहीं नहीं, नॉट अ गुड आइडिया अंजलि, मैं जेठालाल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और एक्चुअली जेठालाल के साथ क्या, मैं तो किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या करूं? पूरा संडे का सत्यानाश हो गया। ए बस कर जेठिया, कितनी बड़बड़ करेगा। अरे जीवन में कुछ भी हो, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन में आधे से ज्यादा तकलीफें तो इंसान की सोच की वजह से होती है। तुझे पता है, जिसकी सोच कमजोर होती है उसको एक पानी का गड्ढा भी समुंदर जितना लगता है, लेकिन जिसकी सोच बुलंद होती है वो समुंदर को भी पानी का गड्ढा समझ के पार कर लेते हैं। नहीं वो बराबर है बापूजी। बापूजी बराबर बोल रहे हैं।
बापूजी, मेरी माँ भी कहती है कि अगर हम मन से खुश हो ना तो पूरा वातावरण खुश खुशहाल लगता है, और अगर हम मन से दुखी हो ना तो पूरा वातावरण दुख दुखहाल लगता है। ये सब आध्यात्मिक बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब बिना वजह 11,500 का चूना लगता है ना तो ए भाई, वो 11,500 रुपये तू मुझसे ले लेना। बापू जी, बात पैसे की नहीं है। तो क्या चूने की है? तू भाई क्या खड़ी है इधर, सर फटा जा रहा है, चाय बनाना कड़क फर्स्ट क्लास। बापू जी आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मेरा सर नहीं फट रहा है, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप चाय के साथ थोड़े नाश्ता करेंगे? अरे नहीं नहीं, आज तो पूरा दिन कितना खाया है। कहाँ खाया है, पुणे के हॉस्पिटल से निकल के बाहर थोड़ा कुछ खाया बस उतना ही, फिर कहाँ कुछ खाया है? पता है ना तुझे? तो फिर क्यों पूछ रही है चाय के साथ कुछ खाएंगे? अरे खाएंगे ही ना भाई, पूरा पेट खाली है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय के साथ गर्मा गर्म थेपला बना कर ला दूं। हाँ जल्दी। दया भाभी आइए, अंजलि भाभी आइए तारक। अरे मैं तो सेव है, क्या इतना बड़ा बॉक्स? कल हमारे घर पे खाना खाने आए थे, आज क्या रहने आ गए? मतलब ये क्या है इसमें, घर वखरी? घर वखरी नहीं भाई, बोझ है, बोझ उठा के घूम रहे। किसका बोझ? तुम्हारा। हाँ मतलब तुम्हारे लिए पार्सल सुंदर ने भेजा है ना, तो डिलीवर करना आया होगा। हाँ ये, अरे बाप रे, बहुत बड़ा बॉक्स भेज दिया सुंदर ने। हाँ उसका फोन आया था, मैं मदद कर। इधर इधर टेबल पर थोड़ा सा। अरे अरे ये ले रो, सॉरी छोड़ दे। वैसे ये पार्सल मेरा भी नहीं है, सुंदर का किसी दोस्त का है, वो अभी आता होगा इसे लेने के लिए। ये पार्सल सुंदर भाई के दोस्त का है? हाँ। चल बहुत ज्यादा ही जल्दी में थे नहीं? अरे सुंदर ने बहुत बड़ा पार्सल भेज दिया। एक मिनट, लेकिन ये पार्सल की डिलीवरी तो भीड़े ने ली थी, ये मेहता साहब कहाँ से आ गए देने के लिए? अरे मेहता साहब दे जाए भीड़े भाई, हमें तो अपना पार्सल मिल गया ना सही सलामत। पार्सल तो मिल गया, लेकिन अभी इसको लेने के लिए सुंदर का दोस्त आधी रात को ना आए तो अच्छा है। अब चिंता मत कीजिए, वो आधी रात को पार्सल लेने के लिए नहीं आएगा, मेरे सुंदर वीरा का दोस्त है। अरे सुंदर वीरा का दोस्त है इसलिए तो चिंता हो रही है। क्या क्या क्या, अभी बंद करो फटाफट, चाय बना ना भाई। हाँ अभी लाई। ए, ए मजदूर क्या कर रही है? ये मैं बेडरूम में रख रही हूँ। वो मैं हूँ ना भाई, मैं रख दूंगा, तू चाय बना ना भाई। थैंक यू। चल चल अभी चाय बना भाई, चलो 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 चलो। क्या हुआ? वो पार्सल गिर गया। लीजिए, इस तोड़ फोड़ की परंपरा में जेठालाल भी शामिल हो गए और उनसे भी ये घोड़े की मूर्ति टूट गई। भाई किसी रेस के घोड़े की सवारी में भी इतनी तकलीफ नहीं आती होगी जितनी तकलीफ इस बेजान घोड़े ने पैदा कर दी। मुझे तो लगता है सुंदर ने कोई मंत्र मार के तो इस घोड़े के स्टैचू को नहीं भेजा। भाई गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों से जब ये घोड़ा टूट गया और उन्होंने सोचा कि हमारा क्या हाल होगा जेठालाल के सामने, लगता है अब यही जेठालाल सोच रहे होंगे कि उनका क्या हाल होगा सुंदर के सामने। और वो सुंदर का दोस्त जो स्टैचू को लेने आने वाला है, जब उसे पता चलेगा इस तोड़फोड़ की कारीगरी का और घोड़े के फिर से चिपकाए जाने का, तब क्या होगा? यानी कि फैसले की घड़ी क्लाइमेक्स आ पहुंचा है। अब देखना यह है कि ये घोड़े की सवारी क्या क्या रंग दिखाती है, लेकिन आपके लिए हास्य की सवारी हमेशा रहेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.